जीएसटी से संबंधित नियम कानूनों में फेरबदल करने की तैयारी कारोबारियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि करीब 4 दर्जन संशोधन संभावित हैं। इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि इसके बाद कारोबारियों की समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि शायद कुछ नियम कानूनों का निर्माण जल्दबाजी में किया गया या फिर उनके संभावित नतीजों के बारे में सही ढंग से आकलन नहीं किया गया। जो भी हो, कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संभावित संशोधनों के बाद फिर नए सिरे से फेरबदल की जरूरत न उभर आए और अन्य प्रकार की जटिलताएं सामने न आने पाए। यह सुनिश्चित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कानूनों में संशोधनों पर संसद की मंजूरी चाहिए होगी और यह आसान काम नहीं है। बेहतर होगा कि जीएसटी परिषद नियम कानूनों में संभावित संशोधन के मसौदे को अंतिम रूप देने के पहले कारोबार जगत के लोगों से व्यापक सलाह मशविरा करें। यह सही है कि जीएसटी टैक्स ढांचे में आमूलचूल बदलाव लाने वाला एक नया कानून था और सारे देश में उस पर अमल करना आसान काम नहीं था, लेकिन अब जब इस कानून को लागू हुए 8 माह होने वाले हैं, तब फिर यह देखा ही जाना चाहिए कि कारोबारी नियम कानूनों की जटिलता से परेशान ना हो। कम से कम यह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कारोबारियों को जीएसटी नेटवर्क की सुस्ती परेशान करती रहे। आखिर यह कैसा नेटवर्क है जो 8 माह बाद भी पटरी पर आने का नाम नहीं ले रहा है। जीएसटी नेटवर्क की खामी ने शासन की तकनीकी दक्षता के साथ ही प्रशासनिक क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। दुर्भाग्य से यही काम जीएसटी के तहत बने ईवी बिल सिस्टम ने भी किया। ईवे बिल सिस्टम को स्थगित करना पड़ा तो इसलिए क्योंकि उसका तकनीकी सिस्टम लाखों बिल तैयार करने में सक्षम नहीं था। यदि किसी को तकनीकी खामियों के लिए जवाबदेह नहीं बनाया जाता तो आगे भी संकट खड़े हो सकते हैं और उनकी आड़ में वे कारोबारी जीएसटी को कोसने का काम करते रह सकते हैं जो टैक्स बचाने की जुगत में रहते हैं। ऐसे कारोबारियों को तभी हतोत्साहित किया जा सकता है जब जीएसटी संबंधी प्रक्रियाएं और तकनीकी सिस्टम सही तरह संचालित होने लगे। जीएसटी का पूरा तंत्र ऐसा होना चाहिए जिससे एक ओर जहां टैक्स चोरी रुके, वहीं दूसरी ओर कारोबार करने में आसानी भी हो। सरकार और साथ ही जीएसटी परिषद को यह समझना होगा कि अब इस तर्क के लिए गुंजाइश नहीं रह गई है कि नई व्यवस्था में प्रारंभ में कुछ समस्या आती ही है। कारोबार जगत के बीच से ऐसे स्वर उभरना ठीक नहीं कि जीएसटी ने अनावश्यक अड़चने पैदा कर दी हैं। अब जब जीएसटी कानूनों में व्यापक संशोधन की तैयारी हो रही है तो फिर उचित यह होगा कि टैक्स दरों में फेरबदल को भी अंतिम रूप दिया जाए। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों और शराब के साथ रियल एस्टेट को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर आम सहमति
कायम की जाए। भारत AIIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनका ताजा विवादित बयान यह था कि जम्मू के सुनजवां में आतंकी हमले में जिन 5 कश्मीरी मुसलमानों ने अपना बलिदान दिया है, उनके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है। इसके पहले वह लोकसभा में अपने एक विवादित वक्तव्य के कारण चर्चा में रहे। उनके अनुसार भारत में रहने वाले मुसलमानों ने जिन्ना के विचारों को खारिज कर दिया था। ऐसे में जो लोग भारतीय मुस्लिमों को आज भी पाकिस्तानी कहकर बुलाते हैं, उन्हें गैर जमानती कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। देश के मुसलमानों के संदर्भ में जो कुछ ओवैसी ने कहा वह पूरा सच नहीं है। निस्संदेह किसी भी भारतीय को पाकिस्तानी कहना उसे कलंकित करने जैसा है। उसका एक अस्पष्ट कारण भी है। पाकिस्तान अपने जन्म से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर भारत से युद्ध कर रहा है। हर दूसरे दिन सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमलों और सैन्य गोलीबारी में कई निरपराध अपनी जान गंवाते हैं। इस्लामी गणराज्य होने के कारण पाकिस्तान काफिर भारत के खिलाफ अघोषित रूप से जिहाद में लिप्त है। ऐसे में एक औसत भारतीय के लिए आतंक के पर्याय पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही है। 6 फरवरी को ओवैसी ने जिस मुद्दे को उठाया उसका दूसरा पक्ष भी है, जिस पर वह अपनी पृष्ठभूमि के कारण मौन रह गए। यदि उनके लिए भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी कहना अपराध है, तो देश के उन लोगों के बारे में ओवैसी की क्या राय है जो पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं और भारत माता की जय, वंदे मातरम या फिर पाकिस्तान विरोधी नारों से क्रोधित हो उठते हैं। पारा 10 फरवरी को जम्मू कश्मीर विधानसभा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से गूंज उठी। इस गूंज के सूत्रधार नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मोहम्मद अकबर लोन रहे। इसे उचित ठहराते हुए उन्होंने कहा, मैं पहले एक मुसलमान हूं और अपनी भावना भाजपा विधायकों के पाकिस्तान विरोधी नारों के कारण रोक नहीं पाया। इसके बाद 13 फरवरी को कराची साहित्य महोत्सव में कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति का विरोध करते हुए पाकिस्तान से सहर्ष प्रेम स्वीकारते नजर आए। क्या यह सत्य नहीं कि कश्मीर में अक्सर कई युवा पाकिस्तान के साथ साथ लश्कर जैश और IS के झंडे लहराते हुए उसके समर्थन में नारा बुलंद करते हैं और भारत की मौत की दुआ मांगते हैं? क्या ओवैसी ने ऐसे तत्वों के विरुद्ध संसद में आवाज उठाई? इन प्रश्नों पर ओवैसी की चुप्पी के पीछे AIIM का इतिहास है।
इस राजनीतिक दल की जड़ें उस विभाजनकारी